अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुना मुस्लिम। उम्मीद करती हूं सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। मैंने हीटर चलाया हुआ है और अपने बेड के ऊपर बैठी आप लोगों के साथ वीडियो बना रही हूं। और इस वीडियो को क्योंकि मैंने बहुत सारा हिस्सा जो इसका है वो मैंने वहां पर ही आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था, ऊपर ही वॉइस ओवर कर दिया था, इसलिए मैंने यहां पर बिल्कुल छोटी सी थोड़ी सी बात करनी थी आप लोगों के साथ, इसलिए मैं सामने आई हूं। सो भाई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं इस वीडियो में एक बहुत मज़ेदार सी रेमेडी, जो कि अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो इसके फ़ायदे आप लोगों को बेशुमार मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें ये कहती हुई नजर आती हैं कि हम नेल पेंट यूज नहीं कर सकते। अगर हम नेल पेंट यूज करते हैं तो उसको बार बार 5 दफा दिन में रिमूव करना एक बहुत बड़ा टास्क है, और अगर हम वो करते हैं तो फिर हमारी नमाज और वजू नहीं होता और नमाज रह जाती है। सो इस काम के लिए आप हमारे साथ कोई ऐसी होममेड रेमेडी शेयर कर दीजिए जिससे हमारे जो नेल्स हैं वो बिल्कुल वाइट वाइट ना दिखें और उनके ऊपर नेचुरली हम कोई ऐसा कलर यूज कर सकें जो कि बिना किसी केमिकल्स के हो और बहुत सारे उसके फायदे भी हों। सो मैंने आप लोगों की ये वाली परेशानी दूर कर दी है इस नए साल में। इस नए साल के पहले दूसरे दिन ही आप लोगों की ये वाली परेशानी दूर हो गई है। आप अपने नेल्स को कलरफुल बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखा सकते हैं नेचुरली। वो ये इस तरह से करना कुछ यूं होगा जिस तरह से मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। और इस वीडियो को आप लोगों ने भर भर के लाइक देना है और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसको बनाने के पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत लगी है। बहुत ढेर सारी वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 2 बार पहले बनाया, वो फ्लॉप हो गया, फिर 3री बार इसे बनाया और वो कामयाब हो गया। और पहले जो बनाया है उसके बर्तन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या हालात हो चुके हैं। दूसरे टाइम पर ये वाले जो बर्तन पड़े हुए हैं ये देख लीजिए, इनको मैंने तबाह और बर्बाद किया है। और थर्ड टाइम पर मैंने अपनी अम्मी को बुलाया और कहा कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि क्यों ये इसका कलर जो है ना वो डार्क क्यों नहीं आ रहा नेल्स के ऊपर। सो उन्होंने बताया कि कलर जो है ना वो डार्क सही है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ठीक यूज कर रही हो, लेकिन जो बर्तन सेलेक्ट कर रही हो वो बर्तन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन बर्तन के बारे में मुझे ऑलरेडी पता तो था, लेकिन मैं चाह रही थी कि वीडियो में वो भले 3 डब्बे मतलब इस तरह की चीजें ना आए, लेकिन फिर इतना खपने के बाद मुझे उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना पड़ा दोबारा से। और उसी के साथ ये वाला अर्क जो है, या इसे नेल मेहंदी भी बोल सकते हैं, ये तैयार की है मैंने। आज इसकी जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, और आप लोग देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं और इससे बहुत सारा फ़ायदा भी उठाने वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए नहीं हो सकती ये वीडियो, लेकिन वो अपने प्यारों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो इसे ट्राई कीजिए, इसे बनाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और इसकी फीडबैक जो है वो लाजमी आकर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने शेयर करनी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को बनाना शुरू करते हैं, लाइक कर दीजिएगा। जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है यहाँ पर गुड़। मैं यहाँ पर अब वाइट वाला गुड़ नहीं बल्कि मैंने काले वाला गुड़ मंगवाया है और वही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ नेल मेहंदी या अर्क बनाने के लिए। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर चाय वाली पत्ती। चाय वाली पत्ती जो है वो आपकी मेहंदी के कलर को डार्क करती है। अगर आप इसकी जगह कॉफ़ी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, वरना वो ऑप्शनल है, सिर्फ पत्ती ही यूज़ कर लीजिए। और थर्ड पर आ जाता है चीनी। चीनी जो है वो डार्क करेगी कलर को और ज़्यादा देर तक आपका कलर जो है वो आपके नेल्स पर बना रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर चीनी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो किया जा सकता है। अच्छा जी, अब ये 3 इंग्रेडिएंट मेन हो गए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा हवन दस्ता। इसको आप क्रश भी कर सकते हो, बारीक कर सकते हो, और इसको आप कूट भी सकते हो हवन दस्ते में, जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने कूटूंगी। और फिर आ जाते हैं जी ये 2 इंग्रेडिएंट कह लें या 2 बर्तन कह लें। अब ये वाला जो बर्तन है ये है चीनी का बर्तन, इसको हम रखेंगे इस डिब्बे के अंदर, ठीक है। ये वाला टीन जो है ये घी का टीन है खाली 2 किलो का, ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से या कहीं पर भी अगर घर में पड़ा हुआ है तो आप उसको साफ़ सुफ करके अंदर बाहर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिए मैंने। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसको मैंने अंदर से साफ़ कर लिया, धो लिए और कट कर लिए ये जो इसका हिस्सा था, और इसको अच्छी तरह से प्लेन कर लिए ताकि अगर मेरा हाथ भी इसको लग जाए साइड पर तो वो कट वगैरह ना लगे, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से गुड़ को बारीक कूट लिया है या पीस लिया है। अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर यही वाला कूटा हुआ जो गुड़ है ना वो आहिस्ता 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 इसके चारों ओर जो है ना वो फैला देना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा जी, गुड़ अच्छी तरीके से इस तरह से फैलाने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी जी
पत्ती कुछ इस तरह से चारों साइडों पर गुड़ के ऊपर ऊपर, ठीक है जी। गुड़ के ऊपर इस तरह से 1.5 से 2 चम्मच जो है वो पत्ती आपने फैला देनी है। और फैलाने के बाद फिर जो हमारी थर्ड इंग्रेडिएंट है यानी कि शुगर, वो भी मैं इसी तरह से स्प्रेड कर दूंगी चारों ओर। और उसके बाद एक और लेयर जो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आएगी वो फिर से होगा गुड़। गुड़ जो है वो मैं चारों ओर इसी तरह से दोबारा से अगेन स्प्रेड करूंगी इसके ऊपर। और दरमियान में रखूंगी ये चीनी का बाउल जो कि हम चाय पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये आपको कहीं से भी आराम से मिल जाएगा। और अक्सर घरों में तो ये होगा, जिन घरों में ये नहीं है मेरे घर की तरह, वो इसे किसी भी कुम्हार की शॉप से आराम से ले सकते हैं जो कि मट्टी वगैरह का काम करते हैं। तो इस तरह का बाउल जो है वो मैं इसके अंदर टिका दूंगी जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अब यहां पर हो चुका है ये वाला प्रोसीजर कंप्लीट। अब हम इसको लेकर चलेंगे अपने चूल्हे के ऊपर और फ्लेम ऑन करेंगे, और बाकी आगे का जो प्रोसीजर वो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करती चली जाऊंगी। एक पतीली जो है वो हम लोगों ने पानी की भर ली है इस तरह से, और वो इसके ऊपर चढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। पतीली जो है ना वो इसके अंदर फिट आ जानी चाहिए ताकि ये जो अंदर है इसका भाप बाहर ना आए। और अब इसकी जो भाप है, ये जो ऊपर वाला पानी है, इसकी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इसके ऊपर कोई ऐसा बर्तन, कटोरी, प्लेट, कोई भी चीज़ आप दे दें ताकि इसकी भाप जो है ना वो बाहर ना निकले, जो इसके ऊपर बिल्कुल फिट आ जाए। और अगर ऐसा हो उसकी भाप बाहर निकलने का आपको डर हो तो आप इसके साइडों पर आटा भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो फ्लेम है वो काफ़ी ज़्यादा ही लो है, लेकिन अब मुझे लग रहा है यहाँ से हल्का हल्का सा जो धुआं है ना वो बाहर भाप की सूरत में निकल रहा है। तो सो मैं थोड़ा सा आटा इस तरह से लेकर ना इसके किनारों पर इसको कवर्ड कर दूंगी, ये जो धुआं सा निकल रहा है, ताकि ये निकलना बंद हो जाए और हमारा जो अर्क है ना वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। सही है, सो इसको मैं इस तरह से चिपका देती हूँ। इस तरीके से इसके चारों साइडों पर हम लोगों ने आटा लगा दिया ताकि ये जो भाप है ना वो अंदर ही रह जाए और बाहर से ना निकले। और इस तरीके से अब हम इसको तैयार करेंगे। सो देखते हैं ये नीचे ना गिर जाए आटा, अगर गिर गया तो इसको दोबारा से चिपकाएंगे, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि भाप कहीं से भी नहीं निकली, लेकिन इसकी सूरत और शक्ल जो है ना वो बहुत ही अजीब और गरीब सी बन गई है। मजाक नहीं उड़ाना, जो तो अच्छी चीज़ बनानी हो तो खपना ज़रूर पैंता है। अच्छा भाई, यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, और यहाँ पर मैं जो फ्लेम है ना इसकी वो ऑफ करने लगी हूँ। और अब ये जो आटा है वो इसी तरह से साथ चिपका रहा है, उतरा उतरा नहीं है। सही है, अब हम इसको आप लोगों के सामने ही ओपन करेंगे और देखेंगे कि अंदर की क्या कंडीशन है, और हमारा अर्क तैयार हो चुका है या अभी उसको और ज़्यादा मज़ीद पकने की या कुछ और तैयार होने की देर है या नहीं, ठीक है। अब हम लोग ये वाला जो आटा हम लोगों ने ऊपर लगाया था ना, इसको हम उतारने लगे हैं बड़े ध्यान से और प्यार से। अच्छा जी, ये वाला जो हमने पतीली है ना, ये इसको अब हम लोगों ने निकाल लेना है। हो सकता है ये थोड़े से साथ में जम जाए, तो इसको पहले हम लोगों ने लूज़ किया फिर इसको निकाल दिया। ये वाला जो पानी इसके अंदर था वो भाप बन के तेज़ गर्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों को क्रीप करके दिखाती हूँ कि ये जो हमारा अर्क है, अंदर जो है अर्क, वो किस तरह से तैयार हुआ है और क्या क्या है। ये देखिए, मेरा कैमरा अगर आप लोगों को दिखा पा रहा है तो ये अर्क जो है ना वो इस तरह से बाउल के अंदर, ये जो हमने प्याला रखा था उसके अंदर आ चुका है। अब हम इसे बड़े ही ध्यान के साथ बाहर निकाल लेंगे और फिर मैं आपको अगला प्रोसीजर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, फाइनली अर्क तैयार हो गया। अभी मेरा हाथ ना सड़ा दे। अब इसको हम लोग छान लेंगे ये खाली बाउल में। ओए, इसका कलर कितना मजे को, खुशबू तो कड़वी अम्मी। अम्मी हम आप बेचांगे फिर आप अमीर हो जाएंगे। लें जी, हमारा गर्मा गर्म अर्क तैयार है। अब हम इसके अंदर मैदा, आटा, गंदम का कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग इसको एक और कंटेनर में डालकर ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो हम लोगों ने अपने नेल्स पे लगाना होगा उतनी ही अमाउंट लेकर इसकी उसके अंदर मैदा या आटा मिक्स करके अपने नेल्स पर अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। वो मैं अभी आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर ये तैयार तो हो चुका है अर्क कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताते चलूँ कि ये पैन, ये डिब्बा जो है लोहे का, ये हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि ये दोबारा यूज़ करने के काबिल नहीं रहेगा। इसके अंदर ये जो हम लोगों ने बाउल रखा था ये भी यूज़ करने के काबिल नहीं रहेगा, ये फेंकना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये वन टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अगेन इसको यूज़ नहीं किया जा सकता।
कोई कमेंट्स में आकर नीचे ये कहे अगर कि हमारे तो फलाने बर्तन ख़राब हो गए, हमारे तो फलानी चीज़ें ख़राब हो गई, अभी ममुना हमारा बना भी नहीं अर्क और हमारी सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो सत्यानाश हो गई। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये कंडीशन हो चुकी है अंदर से, ये जो गुड़ चीनी और पत्ती थी उसमें दूध डालने की सिर्फ कमी थी, बाकी तो वरना आपकी चाय पत्ती बिल्कुल तैयार थी। मजाक कर रही हूँ। तो ये जो है ना ये इस तरह से जल चुका है, ये आप लोग क्रीप करके भी देख सकते हो कि ना ही तो ये साफ़ होगा ना ही ये उतरेगा। सो इसलिए जो भी बर्तन आप लोग यूज़ करें वो आप लोगों के या तो बहुत ही ज़्यादा बेकार और ख़राब किस्म के होने चाहिए क्योंकि वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकते। और इसका कलर आप लोग देख सकते हो कि इतना डार्क है कि अभी से मेरे हाथों पर आ रहा है और मैं इसे जल्दी से वॉश कर लेती। और ये वाला जो है ना अर्क, ये इसके अंदर अब बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। सो आप लोगों को मैंने हर एक चीज़ डिटेल से बता दी है और इसको बनाने के लिए मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ भी इसे शेयर कीजिए अगर आप लोग भी बनाने में इंटरेस्ट रखते हों तो। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत हम लोग क्यों करें, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताते चलूँ कि अगर आप केमिकल वाला अर्क यूज़ करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है, वो आपको बड़े इजीली पैसे देकर आराम से मिल जाएगा, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो फिर उस अर्क में आप लोगों को हासिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक खाली बॉटल जिसके अंदर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी और जो है ना फिर इसको महफूज करके रख लूँगी। सो इसको मैं बहुत ही एहतियात के साथ इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी ताकि ये मेरे हाथों को मज़ीद ख़राब ना करे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे हाथों के ऊपर इसका कलर जो है ना वो अभी से आने लगा है। विद इन सेकेंड्स इसका कलर आपके हाथों पर आ रहा है, तो नेल्स पर भी डेफिनेटली ज़रूर आएगा। सो इसको 2 से 3 दिन तक हम लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका कलर नेल्स पर एक्चुअल आया कैसा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने इस बॉटल के अंदर ये सारे का सारा अर्क जो है ना वो महफूज कर लिया है अपने पास, और ये जो थोड़ा सा अर्क था ना वो मैंने निकाल कर यहाँ पर इसी बाउल के अंदर रखा है ताकि इसके अंदर मैं आटा मिलाकर नेल्स के ऊपर अप्लाई करके आप लोगों को दिखा सकूँ। सो मैं यहाँ पर अपनी अम्मी के हाथों पर नेल्स पर इसको अप्लाई करने लगी हूँ। सो क्योंकि आज बाजी जो है ना मेरी वो नहीं है इस वक्त, सो मैंने अम्मी को बुलाया है तो उनके हाथों पे अप्लाई करूँगी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब है हमारा जी फाइनल टच इस अर्क को बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पर आटा गंदम का यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हो, अगर आप मैदा यूज़ करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। मैं यहाँ पर गंदम का आटा यूज़ कर रही हूँ और क्वांटिटी इसकी थोड़ी थोड़ी सी ऐड करती चली जाऊँगी ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना ही तो ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा लिक्विडी हो। इन दोनों में से कोई भी हो गई ना तो ये अर्क जो है ना हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये फिर फिंगर्स के ऊपर नेल्स के ऊपर स्टे नहीं करेगा। अब इसको मिक्स करेंगे, सारी रात लगा के सोना है इसको और सुबह उठकर फिर वॉश कर देना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और अब हम इसे अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। 2 से 3 दिन तक लगाने से इसका कलर जो है ना वो आपके नेल्स पर डार्क आ जाएगा, और अगर आप इससे ज़्यादा इसको लगाएंगे यानी कि एक पूरे वीक तक लगाते रहते हैं तो फिर आपके नेल्स का कलर ज़्यादा डार्क होता चला जाएगा। वो आपकी अपनी डिज़ायर है कि आप इसको थोड़ा लगाना चाहें या ज़्यादा देर तक लगाकर इसका कलर और ज़्यादा मज़ीद डार्क करना चाहें, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, हाथों के ऊपर नेल्स के ऊपर इस वक्त कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये थोड़ा सा इन्होंने अम्मी ने जो था ना वो इसको टच किया था और तो इनके नेल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े से येलो हो गए हैं सिर्फ टच करने से ही, और ये वाली 2 फिंगर्स जो वैसी हैं। अभी 5 से 10 मिनट के बाद हम लोग आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखा देंगे, इसको वॉश करके पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट 10 से 15 मिनट में कैसे आता है। और अगर ये पूरी रात 3 दिन तक मुसलसल आप लगाते रहेंगे तो फिर कमाल हो जाना, कमाल सच्ची। हाँ जी, अब एक लेंगे साफ़ सुथरा सा शापर और इसके अंदर ये वाला जो अर्क है ना इसको हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफ़र, वो इसलिए ताकि हमारे हाथ ख़राब ना हो। और फिर यहाँ से हम लोग करेंगे इसको कट, ये मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया और अपने नेल्स के ऊपर जल्दी से इसको लगा कर दिखा देती हूँ और फिर इसको हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए हर एक चीज़। ये इस तरह से इजीली आपके नेल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और आपके हाथ जो है ना वो सारे के सारे ख़राब या मैसी नहीं होंगे, है ना मज़े की ट्रिक। तो हम आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट के बाद ही इसको रिमूव करने लगे हैं कि ताकि इसका जो हल्का सा शेड है वो आप लोगों को दिखा सकें। ये देख लें जी, इस तरह का कलर जो है ना इसका शेड जो है वो आ चुका है नेल्स के ऊपर। अब आप मेरे नेल्स देख सकते हैं कि वो वाइट हैं और ये 5 से 7 मिनट लगाने के बाद ये इस तरह से आ चुका है कलर। सो जी, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसे और इसकी जो अच्छी फीडबैक है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। सो भाई, आप लोगों ने वीडियो देखी, चेक किया और एंजॉय भी ज़रूर किया होगा मेरे सारे के सारे मेथड को। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी और आप इसे ज़रूर बेनिफिट्स भी उठाएंगे। अगर मैं इसे ट्राई करके एक बार ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती तो हो सकता था बहुत सारे लोग इसे ट्राई करते हैं। मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी बहनें मेरी बताई हुई रेमेडीज़ को फॉलो करती हैं, ट्राई करती हैं, लेकिन अगर फ़ायदा ना होता तो आपका जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर से उठता। सो इसी तरह से हम
बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बनाते रहते हैं जो कि वेस्ट होती हैं, फ्लॉप होती हैं। सो हम उसको अच्छे तरीके से बनाकर तभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जब उसके रिजल्ट 100% ठीक हो। सो भाई ये वाली रेमेडी जो है ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और मेरे साथ शेयर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में आके आप लोगों ने ज़रूर करना है। और फीडबैक जो है वो बिल्कुल सच्ची और अच्छी वाली चाहिए क्योंकि मुझे पता है इसके रिजल्ट आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और नए साल का ये सबसे पहला तोहफा है मेरी वीडियो का जो कि आपके नेल्स को बहुत ही कलरफुल और चमकदार, नशीला और भड़कीला बनाने वाला है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरी जो 3 मिलियन तक की कम्युनिटी है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। जज़ाकअल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।